हेलो बच्चों, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ क्लास 5 के बच्चे। और हमारा आज का हिंदी का सब टॉपिक है लिंग। ये व्याकरण में लिंग क्या है, इसे इंग्लिश में कहते हैं जेंडर। तो चलिए पहले देखते हैं लिंग किसे कहते हैं अथवा व्हाट इज जेंडर। पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। और ये लिंग कितने प्रकार के होते हैं? ये लिंग दो प्रकार के होते हैं। एक पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे पुरुष, वरुण, पिता, मूर, शेर, बैल, पेड़, पहाड़, ग्रंथ, समुद्र आदि। स्त्रीलिंग, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे स्त्री, माता, मोरनी, शेरनी, गाय, पहाड़ी, पुस्तक, नदी आदि। तो चलिए बच्चों, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाना है, कुछ रूल्स हैं इनमें, तो उन सबको हम अगर फॉलो करेंगे तो आपको याद करने में आसान होगा। कुछ शब्द हैं जिसे आप आ लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे छात्र, छात्र को स्त्रीलिंग बनाना है तो आ मतलब मात्रा आकर लगा के छात्रा बनाना। प्रिय, प्रिया, महोदय, महोदया, शिष्य, शिष्या, मूर्ख, मूर्खा, वृद्ध, वृद्धा, बाल, बाला, आचार्य, आचार्या, पतित, पतिता, अनुज, अनुजा। तो ये था आ लगाकर बनाए गए स्त्रीलिंग शब्द। अब चलिए कुछ और जानकारी करते हैं। कुछ शब्द हैं जिसमें आप दीर्घ ई लगाकर स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे नाना का नानी, लड़का, लड़की, मौसा, मौसी, काला, काली, चाचा, चाची, दास, दासी, घोड़ा, घोड़ी, नर, नारी। तो इसमें देखा आपने कि सभी स्त्रीलिंग में दीर्घ ई की मात्रा लगाई गई है और जो नाना था नानी बन गई। इसी तरह से चलिए कुछ शब्द हैं जिसे आप ई न इन लगाकर स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे धोबी का स्त्रीलिंग बन जाता है धो बिन। उसी तरह से माली, मालिन, नाई, नाइन, सुनार, सुनारिन, लुहार, लुहारिन, ग्वाला, ग्वालिन, जुलाहा, जुलाहिन, दर्जी, दर्जिन। तो चलिए आगे और देखते हैं। अब कुछ शब्द हैं जिसमें आप ई का लगाकर स्त्रीलिंग बना सकते हैं और ये शब्द आप देख रहे हैं, अध्यापक, अध्यापिका, बालक, बालिका, लेखक, लेखिका, गायक, गायिका। इसमें से आप देख रहे हैं यहाँ तीन शब्द हैं जो बहुत ही आपके प्रयोग के लिए है। जैसे अध्यापक, बालक, लेखक, या प्राय हिंदी में यूज़ करते रहते हैं, isn't it? इसी तरह से अब कुछ दूसरे शब्द हैं उसमें लगाया जाता है ईया। जैसे चूहा हो जाता है चूहिया, बेटा, बिटिया, बंदर, बंदरिया, बूढ़ा, बुढ़िया। तो उसी तरह से एक और है अंत में जिसे आ ई न लगाकर स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे हलवाई, हलवाइन, गुरु, गुराइन, ठाकुर, ठकुराइन, पंडित, पंडिताइन। अब और देखें आगे आनी लगाकर शब्द। जेठ,
जेठानी, सेठ सेठानी, पंडित पंडितानी, देवर देवरानी, नौकर नौकरानी, महाराज महारानी। तो और कुछ शब्द है जिसे हम लोग नी लगाकर पुरुष को स्त्रीलिंग में बदलते हैं, जैसे शेर शेरनी, भील भीलनी, मोर मोरनी, ऊंट ऊंटनी। उसी तरह से कुछ शब्द है जिसे हम वती लगाकर स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे बलवान, बलवान में वती लग गया तो बन गया बलवती, शीलवान शीलवती, दयावान दयावती, गुणवान गुणवती, भगवान भगवती, रूपवान रूपवती। और है कुछ शब्द जिसमें हम मति लगाकर स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे श्रीमान, श्रीमान में मति लग गया तो बन गया श्रीमती, आयुष्मान आयुष्मती, बुद्धिमान बुद्धिमती, शक्तिमान शक्तिमती। उसी तरह से कुछ भिन्न रूप वाले पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द भी होते हैं, जैसे यहाँ अब तक तो अति मति इन आ लगा के बनाया था, लेकिन यहाँ बिल्कुल ही अलग होता है, जैसे पिता का पिता इन नहीं बल्कि माता होता है, ससुर सास, विद्वान विदुषी, वीर वीरांगना, राजा रानी, बैल गाय, भाई बहन, आदमी औरत, वर वधू, बादशाह बेगम। हाँ तो बच्चों अभी तक आपने कुछ शब्द पढ़े जिसे देखे और सुने जिसे स्त्रीलिंग बनाते समय कुछ नियमों का पालन किया जाता है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिसे नर या मादा लगाकर पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं, जैसे तोता, तोता का तोती या तोती नहीं होता है, उसे पुल्लिंग होता है तो वो होता है नर तोता, और स्त्रीलिंग होती है तो वो होता है मादा तोता। उसी तरह से नर गिलहरी, नर भालू, मादा भालू, नर गिलहरी, मादा गिलहरी, नर छिपकली, मादा छिपकली। तो आज के लिए यहीं पर, चलिए एक बार फिर से हमने क्या सीखा है चलिए हम उसका रिकैप करते हैं। लिंग किसे कहते हैं? पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। और लिंग कितने भेद होते हैं? लिंग के दो भेद होते हैं, वो क्या क्या है? पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। With that, we end the lesson today. Stay home, stay safe, and have a great day.